नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। आला अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद ने बांदा के एक मैरिज लॉन में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह, विकास संगोष्ठी एवं संत गांसे महाराज परिनिर्माण दिवस मनाया। समारोह में आयोजित विचार संगोष्ठी में कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आला अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद का विस्तार पूरे देश में है। इस संस्था में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी जुटे हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक अधिकारी, शिक्षक, रेलवे अधिकारी आदि। इस संस्था का उद्देश्य अधिकारियों कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनको न्याय दिलाना है और वंचित समुदाय के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा संस्था ने अपने मांग पत्र में बताया कि कर्मचारियों के हितों को देखते हुए पुरानी पेंशन पुनः लागू की जाए, सभी कर्मचारियों को समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाए, केंद्र व राज्य के सभी विभागों में संख्या के आधार पर भागीदारी दी जाए, सरकारी विभाग में निजीकरण समाप्त किया जाए आदि जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इसके उपरांत कोरोना महामारी के समय निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों को कोरोना योद्धा सम्मान दिया गया। इन्हीं सभी कार्यक्रमों के साथ संत गाड़से महाराज जी का परिनिर्माण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम तिदवंतरी बाईपास बवेरू रोड स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राज करण जी, IAS महाप्रबंधक वित्त डाक विभाग लखनऊ थे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। रेडी है ना सर? आल अधिकारी प्रेस द्वारा आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया? एक्चुअली में ये एक प्रकार का सामाजिक कार्य है और उसी के परिलक्ष्य में संत गाड़गे महाराज जी का जो है आज परिनिर्वाण दिवस भी है जी, जो कि महाराष्ट्र में जन्मे थे 23 फरवरी 1876 में। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे साथियों ने आला अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें तमाम प्रकार जैसे देश कोरोना की भीषण त्रासदी से गुजरा, उस दरमियान हमारे शिक्षक साथियों ने या इस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हमारे साथियों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। जो लोग इस कारण से पीड़ित थे कि दूर दराज से लोग, मजदूर हों या और भी लोग हैं जो आए थे और उनको खाने पीने का कोई मुश्किल ठिकाना नहीं था, और उन लोगों को इस संगठन ने समाज के सहयोग से उन तक राशन सामग्री या ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने का कार्य किया। ये सरकार के कार्यों में भी उल्लेखनीय इन लोगों का इस संगठन का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए जो है मैं इस कार्यक्रम की इस संगठन की भूरी प्रशंसा करता हूँ। सर, इस कार्यक्रम पे कुछ लोग प्रशस्त प्रमाण पत्र दिए गए, तो किन किन वर्गों को दिए गए हैं? कितने लोग प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रशस्त किए गए? अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है, बहुत सारी कैटेगरी के आधार पर मैं उन सब सारी चीज़ों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन साथियों का जहाँ जहाँ भी योगदान था जी, उनको अपने उस योगदान के लिए इस संगठन ने उनको सम्मानित करने, और भी लोग हैं जो आए थे और उनको खाने पीने का कोई मुश्किल ठिकाना नहीं था, और उन लोगों को इस संगठन ने समाज के सहयोग से उन तक राशन सामग्री या ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने का कार्य किया। ये सरकार के कार्यों में भी उल्लेखनीय इन लोगों का इस संगठन का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए जो है मैं इस कार्यक्रम की इस संगठन की भूरी प्रशंसा करता हूँ। सर, इस कार्यक्रम पे कुछ लोग प्रशस्त प्रमाण पत्र दिए गए, तो किन किन वर्गों को दिए गए? कितने लोग प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए गए? अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है, बहुत सारी कैटेगरी के आधार पर मैं उन सब सारी चीजों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन साथियों का जहाँ जहाँ भी योगदान था जी, उनको अपने उस योगदान के लिए इस संगठन ने उनको सम्मानित करने का काम किया। लगभग कितने कोरोना वायरस के रूप में प्रसिद्ध किए गए प्रमाण पत्र? लगभग 100 है, 100 के लगभग है। इसमें सारे जो हमारे साथी हैं।